नमस्कार बच्चों, मैं नीतू सिंह भावरा देवर सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा। बच्चों हम पाठ पढ़ रहे हैं, हिंदी को आरोह भाग दो पुस्तक है। पाठ है नमक और उसकी लेखिका है रजिया सज्जाद जहीर। चार भाग बच्चों हमने पढ़ लिया है, इसका पांचवा भाग मैं यहाँ पर लेकर के उपस्थित हुई हूँ। तो इसमें हमने ये देखिए, ये चित्र है, चित्र में आपको सखियां दिखाई दे रही है, जैसा वर्णन अभी हमने पिछले पैराग्राफ में किया था वह सारा दृश्य से भी आपको परिलक्षित हो जाएगा। पैराग्राफ चार बच्चों पृष्ठ संख्या 135 से 136 पे है और उसके महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से हैं। अभी तक हमने यह पढ़ लिया था कि जब सफिया वापस आ रही थी तो उनको सभी अपने भाई भतीजे और उनके पिताजी सभी लोग याद आ रहे थे और उन्होंने उनसे उनके भतीजों भतीजियों ने पूछा कि फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं, उसका उन्होंने उत्तर दिया। और उसके बाद अब पैराग्राफ आगे बढ़ता है। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए से लेकर के बंदूकें दोनों के हाथ में थी, यहाँ तक पैराग्राफ लिया है और पेज संख्या 135 से 36 एनसीईआरटी की किताब जो है, जो आपके आरोह भाग दो है, उसके अगर पृष्ठ संख्या 135 से 36 पे आप जाएंगे तो आपको ये पैराग्राफ वहां से मिल जाएगा। उसके महत्वपूर्ण बिंदु मैंने बच्चों यहाँ लिए हुए हैं और ये आपके एक एक लाइन, एक एक पॉइंट्स जो है वो एक एक क्वेश्चन है, वो बहुविकल्पात्मक में भी आपके पूछे जा सकते हैं और सामान्य एक नंबर के प्रश्न में भी पूछे जा सकते हैं और तीन नंबर का प्रश्न तो वैसे ही तैयार हो जाएगा यदि आप पैराग्राफ को ढंग से समझ लें तो। आइए आगे चलते हैं। कस्टम पर जांच के लिए सफिया का सामान बाहर निकाले जाने का उल्लेख, जाहिर सी बात है कि कस्टम अधिकारी के हो करके ही वो सामान तभी उधर दूसरी तरफ जा सकता है, तो वहां सारा सामान जो है कस्टम अधिकारी के सामने उनका निकाला जाने लगा चेकिंग के लिए, उसका उल्लेख है। हाँ, सफिया द्वारा यह निश्चित करना कि वह यह तोहफा चोरी से नहीं ले जाकर बल्कि कस्टम वालों को दिखाकर ले जाएंगे। तो बच्चों उनके मन में ये आया कि इतना अच्छा उपहार, इतनी अच्छी सौगात को जब मैं इस भावना से लेकर के जा रही हूँ तो मैं इसे चुरा करके नहीं ले जाऊंगी बल्कि मैं इसको सबको दिखा करके ले जाऊंगी। और इस तरह से उनके मन में यह विचार आया तो सफिया ने फिर क्या किया कि सफिया द्वारा नमक की पुड़िया को टोकरी में से निकालकर अपने बैग में रखना जिसमें उसके पैसे तथा पासपोर्ट आदि रखा हुआ था। अब उन्होंने वो जो नमक की पुड़िया थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी, शेर भर ही थी, तो उन्होंने उसको उठा करके क्या किया अपने पर्स में, जैसे हम महिलाएं पर्स लेकर के चलती हैं, तो उस पर्स में रख लिया। उसमें क्या क्या चीजें थी, उसमें उनके पैसे थे, पासपोर्ट आदि था और जाहिर सी बात है कि सबसे फ्रंट पे वह आपका पर्स ही होता है जिसकी चेकिंग सबसे पहले होगी। तो इस तरह से उस चीज को वो निकाल करके अपने उस पर्स में रख ली और उन्होंने यह निश्चित कर लिया कि वह इसे छिपा करके नहीं ले जाएंगे। सफिया द्वारा कस्टम अधिकारी से बातचीत करना तथा उनके बारे में पूछना कि आप कहाँ के हैं, जाहिर सी बात है कि जब हम हमें लगता है किसी को देख करके कि इनसे हम औपचारिकता बस हालचाल पूछें और ये भी पूछ लें आप कहाँ के हैं, तो ये जाहिर सी बात है सभी को पता है कि जब एक जगह के दोनों व्यक्ति मिल जाते हैं तो थोड़ा सा और लगाव हो जाता है, हम अपनी बातें उनको शेयर करते हैं और उनसे उनकी बातें जानते हैं। तो सफिया ने यह पूछा, अधिकारी द्वारा यह पता चलना कि उसका वतन दिल्ली है, जो पाकिस्तान के इलाके में कस्टम अधिकारी थे। बच्चों यह कंफर्म रहे आपको, वह कहाँ के रहने वाले थे, दिल्ली के रहने वाले थे। तो सफिया कहाँ आ रही थी, दिल्ली आ रही थी और इस तरह से जो है यहाँ पर थोड़ा सा उनका हौसला, अंदर से जो मन है वह दृढ़ हुआ, सुदृढ़ हुआ कि चलो शायद मैं यह सामान लेकर के इस जंगले से, इस कस्टम अधिकारी से आगे बढ़ जाऊंगी। सफिया द्वारा यह बताना कि वह लखनऊ की हैं तथा अपने भाइयों से मिलने वह लाहौर आई हैं। तो यहाँ पे बच्चों बीच में हमने बताया था कि सफिया जो है दिल्ली में रह रही, लेकिन नहीं, ऐसा उल्लेख जो था वो स्पष्ट नहीं था। सफिया जो है वो कहाँ रहती है, लखनऊ में रहती है, यहाँ कन्फर्म है। तो उन्होंने ये बताया कि वह लखनऊ में रहती है तथा अपने भाइयों से मिलने वह लाहौर आई हुई है। तो इस तरह से बच्चों यह पैराग्राफ यहाँ तक था। अब आगे, सफिया द्वारा अपने बैग को कस्टम अधिकारी के सामने रखना तथा अधिकारी द्वारा उसे चेक करके सफिया को वापस दे देना तथा बैग को सफिया को देते हुए कहना कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून भी हैरान रह जाता है।
यहाँ पे देखेंगे बच्चों, यहाँ पे मोहब्बत, यहाँ पे प्रेम, आपसी प्रेम, आपसी भावना। और मैंने कहा था कि हर एक चीज को देखने का हमारा जो नजरिया है वह कैसा होना चाहिए, वहां जाति नहीं आती है, वहां भाव आता है। तो बच्चों कस्टम अधिकारी थे, चाहते तो वही नमक की पुड़िया रोक सकते थे, लेकिन उनको लगा कि इसमें कोई बहुत बड़ी गैर कानूनी बात नहीं है, ये एक उपहार है। और उनको गलत करना होता तो वह उसको छिपा करके ले जाती या किसी और तरीके से ले जाती, बहुत अधिक मात्रा में ले जाती। लेकिन उन्होंने भी मन में संकल्प ले लिया था सफिया ने कि नहीं, वो इसको चुरा करके नहीं ले जाएंगी, बल्कि अधिकारी को दिखा करके ले जाएंगी, बेशक वो इसको यहीं पर रख लें या आगे जाने दें। तो इस तरह से जब अधिकारी ने बताया कि वह दिल्ली का रहने वाला है और सफिया ने बताया कि वह लखनऊ की रहने वाली है, तो जाहिर सी बात है कि वह हिंदुस्तान के इलाके के हैं। और इस तरह से उन्होंने उस सामान को, उनके नमक की पुड़िया को नहीं रोका, बल्कि यह कहा कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून भी हैरान रह जाता है। अर्थात जब हमारे अंदर भावना जो है वो खराब नहीं होती तब हम उससे पार पा जाते हैं। अगर वो वैसे तो नमक जो है गैर कानूनी था, लेकिन वह जो भावना थी उसमें उस चीज को पाकिस्तान से ले जाने की, वह प्रेम की भावना थी, इसलिए उसको हिंदुस्तान में लेकर के वह आ गई। कस्टम अधिकारी द्वारा सफिया से कहना कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा। जो कस्टम अधिकारी थे वह दिल्ली के थे, उन्होंने जो उनकी जो भावनात्मक बातें थी उसको उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा। और उन खातून को यह नमक देते हुए, खातून मतलब सज्जन महिला उर्दू का शब्द है, देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता, रफ्ता रफ्ता मतलब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये पैराग्राफ यहाँ तक था। सफिया उस सामान को लेकर के कस्टम अधिकारी से आगे गुजर आती है। सफिया का लाहौर से विदा होना तथा अटारी में पाकिस्तानी पुलिस का उतरना तथा हिंदुस्तानी पुलिस का सवार होना। सफिया बच्चों वह जो लाहौरी नमक था वह लेकर के लाहौर से विदा हो गई थी और अब वह अटारी में पहुंची थी। अटारी में क्या होता है कि जो पाकिस्तानी पुलिस है वह उतर जाती है, वो एरिया वहां तक समाप्त हो जाता है और वहां से हिंदुस्तान की पुलिस जो है उसमें उस रेल में सवार हो जाती है। पाकिस्तानी पुलिस तथा हिंदुस्तानी पुलिस में समानता होने का उल्लेख तो सफिया ने उसमें बताया है कि जैसे पाकिस्तान की पुलिस थी, जैसे उनका हुलिया था, जैसे वह बंदूकें रखे थे, जैसे उनका बोलने का हाव भाव, गाली गलौज था, सब कुछ वैसा ही हिंदुस्तान की पुलिस का भी था। यानी वहां के लोगों में और हमारे में कोई बाहरी जो व्यक्तित्व है उसमें कोई भी अंतर नहीं है। वर्तमान की परिस्थितियां बच्चों अलग हैं, लेकिन ये जिस समय की घटना यहाँ पर लेखिका द्वारा लिखी गई है उस समय ऐसी कोई वैमनस्य की स्थिति यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। तो सफिया द्वारा उल्लेख करना कि दोनों के हाथों में भरी हुई बंदूकें थी। सिर्फ सफिया ने एक जो बात यहाँ पे कही वो ये कही कि दोनों पक्षों में जाटारी में जहाँ पाकिस्तानी पुलिस जो है वह उतर रही थी और हिंदुस्तानी पुलिस चढ़ रही थी, वहां दोनों के हाथों में बंदूकें जो है वो भरी हुई थी। यानी जरा सी भी बात यदि खटपट हुई तो दोनों की बंदूकें एक दूसरे पे तन जाएंगी और यही स्थिति खराब है। यही स्थिति वर्तमान में सुधरने की उम्मीद पे हम सभी मिलकर के एकजुट होकर के शांति की कामना करते हैं कि ऐसा किसी भी देश का, किसी भी देश के साथ संबंध खराब ना हो, पूरे विश्व में शांति का वातावरण हो। तो इस तरह से आप यहाँ पे बच्चों देखेंगे ये पैराग्राफ था। पैराग्राफ आधारित लघु प्रश्न है। पाठ तथा पाठ की लेखिका का नाम लिखें। पाठ नमक है और लेखिका रजिया सज्जाद जहीर जी हैं। सफिया ने नमक की पुड़िया टोकरी से निकालकर अपने बैग में क्यों रख लिया? क्यों? क्योंकि वह मोहब्बत की सौगात को, उपहार को वह चोरी से ले जाना नहीं चाहती थी, बल्कि वह उसको दिखा करके ले जाना चाहती थी। सफिया ने अपने आप को कहाँ का रहने वाला बताया? उन्होंने अपने आप को लखनऊ का रहने वाला बताया था, लेकिन मुलाकात उनसे सिख बीबी के यहाँ हुई थी। नमक को सफिया के बैग में रखते हुए कस्टम अधिकारी ने क्या कहा? नमक को सफिया के बैग में रखते हुए कस्टम अधिकारी ने यह कहा था कि
मोहब्बत का यह तोहफा किस तरह कस्टम से गुजर जाता है कि कानून भी हैरान रह जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे बच्चों कि यह पैराग्राफ पूरा हुआ। और दूसरा वाला भी पैराग्राफ है कि उन खातून को कहिएगा, इसमें ये वाला क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं कि उन खातून को जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा प्रणाम कहिएगा, और उन खातून को अर्थात सिख बीबी को कहिएगा कि दिल्ली मेरा वतन है और लाहौर आज भी उनका वतन है। तो इस तरह से बच्चों ये भावनात्मक जो कहानी है यहाँ तक आपकी पूर्ण हुई। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ये जो छोटे छोटे प्रश्न हैं बच्चों, इसे जरूर आप अपनी कॉपी में लिखें ताकि पैराग्राफ के अनुसार ही अगर आपको कहानी याद है तो आगे के सभी प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे। धन्यवाद।